हरे कृष्णा। एक बार वाल्मीकि जी ने नारद मुनि से पूछा कि इस समय संसार में गुणवान, वीर्यवान और उपकार मानने वाला सत्यवक्ता दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है, जिसका मन पर अधिकार हो, क्रोध को जीतने वाला हो, कांतिमान हो और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला हो। वाल्मीकि जी के ऐसा पूछने पर नारद जी ने उन्हें बताया कि इक्ष्वाकु के वंश में श्री राम जी के नाम से विख्यात हैं, वही हैं ऐसे महापुरुष जो कि महाबलवान, कांतिमान और धैर्यवान तथा जितेंद्रिय हैं। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेमवश युवराज पद पर अभीक्षित करना चाहा। परंतु राजा राम के राज्याभिषेक से पहले ही रानी कैकेयी, जो कि दशरथ जी की रानी थी, जिनको वर भी एक पहले से दिया जा चुका था, उन्होंने समय पर राजा जी से, दशरथ राजा जी से वर मांगा राम का निर्वासन यानी कि वनवास और भरत का राज्याभिषेक। तो कुछ इस प्रकार से ही नारद मुनि जी ने वाल्मीकि जी को रामायण की पूरी कथा विस्तृत में सुनाई, और कथा सुनाने के बाद नारद जी आकाश मार्ग से प्रस्थान कर गए, और उनके देवलोक पधारने के दो ही घड़ी के बाद में वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए, जो कि गंगा जी से कुछ अधिक दूरी पर नहीं था। वहाँ पर उन्होंने घाट देखा जो कि काफ़ी साफ सुथरा था, और उसके पास ही घाट पर जब वो वन में ही विचरण कर रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने एक पक्षियों का जोड़ा देखा जो कि नर और मादा पक्षी थे, और उनको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये पक्षी हमेशा साथ ही रहते। परंतु उसी समय वहाँ पर एक पापपूर्ण विचार रखने वाला निषाद आ गया, और उसने उन पक्षियों के जोड़ों को जैसे ही देखा तो उसमें से एक नर पक्षी को मुनि के देखते ही देखते बाण से मार दिया, और जो मादा पक्षी थी वो अपने पति की हत्या हुई देख करके बहुत ही करुणाजनक स्वर में चित्कार उठी और रोने लगी। निषाद ने जिसे मार गिराया था, उस नर पक्षी की वो दुर्दशा देखकर धर्मात्मा ऋषि को बहुत दया आई। वाल्मीकि जी ने जब ऐसा देखा तो उन्हें बहुत दया आई और वो बहुत परेशान हुए, काफ़ी विचलित हुए, क्योंकि वो वहाँ पर अभी उन्होंने नारद जी के मुख से पूरी रामायण की कथा सुनी थी, और उनका मन उसी प्रकार पूरी कथा को सुनकर कभी विचलित था, कभी प्रसन्न था, कभी बहुत आनंदपूर्ण भाव में था, क्योंकि उन्होंने श्री राम जी की कथा सुनी थी, श्री राम भगवान की कथा सुनी थी, नारद मुनि के मुख से सुनी थी। तो इस प्रकार वो बहुत प्रसन्न थे, और उसी प्रसन्नता में बहुत सारे विचारों में मग्न होकर के वो वन में विचरण कर रहे थे, और अचानक से जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने उस पक्षी के जोड़े को देखा तो वो भी भाव विभोर हो उठे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये देखा कि निषाद राज ने उन पक्षियों के जोड़े को बिखेर दिया, पूरा बिखेर दिया, तो उससे वो बहुत क्रोधित हुए, और ऐसा देख करके वाल्मीकि जी को बहुत जब दुख हुआ, तो फिर उन्होंने जब उस पक्षी को देखा रोते हुए, बिलखते हुए, तब उन्होंने निषाद से कहा कि हे निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तूने इस पक्षी के जोड़े में से एक की हत्या कर दी, जो कि काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के हत्या कर डाली। और उसके बाद वाल्मीकि ऋषि वहाँ से प्रस्थान करते हैं, और उसके बाद वो ये सोचते हैं कि इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने ये क्या कह डाला। जब उन्हें ये आभास होता है कि उस समय उनके मुख से क्या प्रश्न निकले या क्या वाक्य निकले, तब वो ये अपने इन वाक्यों पर ध्यान करते हैं कि यह चार चरणों में आबद्ध है, इसकी प्रत्येक चरण में बराबर बराबर यानी 8-8 अक्षर हैं, तथा इसे वाणी के लय पर गाया भी जा सकता है, अतः मेरा यह वचन श्लोक रूप यानी कि छंद में आबद्ध काव्य रूप यश स्वरूप होना चाहिए, अन्यथा नहीं।
और इसी प्रकार विचार करते करते ही जब वह इन विचारों में निर्मग्न थे, तभी वहाँ पर महातेजस्वी सर्वसमर्थ चतुर्मुख ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि जी से मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर आए। वाल्मीकि जी ने ब्रह्मा जी का पूजन करा और उन्हें आसन ग्रहण कराया। ब्रह्मा जी भी सब कुछ जान रहे थे और उन्होंने भी वाल्मीकि जी को बोला आसन ग्रहण करने के लिए। वाल्मीकि जी ने ब्रह्मा जी का पूजा पाठ करा और उसके बाद उन्होंने भी आसन ग्रहण करा और ब्रह्मा जी के साथ बैठ गए। लेकिन बैठने के बाद भी वाल्मीकि जी के विचारों से जो अभी पूर्व घटित हुआ था वह सब विचार नहीं जा रहा था। उनके दिमाग में अभी भी उनके मन में उसी पक्षी का रोदन था। वो उस बात से बहुत ही विचलित थे। ब्रह्मा जी को ये सारी बातें ज्ञात थीं और यही विचार करते करते जो पक्षी का आर्त नाद था, जो कि वाल्मीकि जी ने निषाद को कहा था, श्लोक रूप में कहा था, बिल्कुल उसी वाक्य को, उन्हीं श्लोक को ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी के समक्ष दोहराया और वे शोक और चिंता में डूबे रहे थे। वाल्मीकि जी अपने शोक से बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। लेकिन उसी के उपरांत ब्रह्मा जी उनकी मना स्थिति को समझकर हंसने लगे और मुनिवर वाल्मीकि से इस प्रकार बोले कि ब्राह्मण, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ यह छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप में होगा। मेरे ही संकल्प अथवा मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारे मुंह से ऐसी वाणी निकली है। मुनिश्रेष्ठ, तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। तुमने नारद जी के मुंह से जैसा सुना है उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। बुद्धिमान श्री राम का जो गुप्त या प्रकट वृत्तांत तथा लक्ष्मण, सीता, राक्षसों के जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र हैं, वे अब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी, इसलिए तुम श्री रामचंद्र की परम पवित्र एवं मनोहर कथा को श्लोकबद्ध करो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। तत्पश्चात माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वत ही समः यत कौंच मिथुना देकमवधि ही काम मोहितम। वाल्मीकि जी उसके बाद फिर अपने इसी श्लोक को दोहराते हैं और मन ही मन वह विचार करते हैं कि मैं ऐसे ही श्लोकों में संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूंगा। यह सोचकर उदार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि वाल्मीकि ने विचार किया और उसके बाद उन्होंने रामायण महाकाव्य की रचना की। हरे कृष्णा।